लंबे वक्त से भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। कभी गलवान तो कभी तवांग में चीन ऐसी नापाक हरकत करता है कि भारतीय सेना को जवाब देना ही पड़ता है। अभी हाल ही में तवांग में जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने हमले की कोशिश की थी, उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें बखूबी जवाब दिया। इसके अलावा भारत देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी चीन को समझा दिया कि अगर भारत को आंख दिखाया तो ड्रैगन को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत का एक इंच जमीन किसी में लेने की हिम्मत नहीं है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। ये तो भारत और अमित शाह ने चीन को बता ही दिया, लेकिन अब भारत का पड़ोसी जापान भी चीन को सबक सिखाने वाला है। जी हाँ, अगले कुछ ही समय में चीन को जापान तगड़ा सबक सिखाएगा। दरअसल जापान अब नई रणनीति के साथ ही मैदान में उतरने को तैयार है। आपको बता दें कि जापान ने इस हफ्ते नई नेशनल सिक्योरिटीज स्ट्रेटजी तैयार की है। इसके तहत दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए काउंटर स्ट्राइक यानी जवाबी हमले की क्षमता को बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस से बढ़ते जोखिम से खुद को बचाने के लिए जापान अब आक्रामक नीति अपनाने की रक्षा खर्चा दोगुना करने जा रहा है। जापान का लक्ष्य 10 सालों के अंदर देश के खिलाफ किसी भी हमले को बहुत पहले ही रोक देने की क्षमता हासिल करने पर है, जिसके लिए जापान अगले 5 सालों में $37 अरब यानी 3 लाख करोड़ रुपए लगाकर लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें खरीदेगा, जिसमें अमेरिका की 500 टॉमहॉक मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा जापान नए हथियार भी बनाएगा, इनमें हाइपरसोनिक हथियार और मानव रहित एयरक्राफ्ट शामिल है। अब इससे बखूबी समझा जा सकता है कि किस तरीके से जापान अपनी नई रणनीति बना चुका है, और सबसे बड़ा सिरदर्द वो चीन के लिए बनने वाला है। आपको बता दें कि जापान, जो कि अपने आप को शांत का प्रतीक कहता है, अब वो भी नई तैयारी कर रहा है और चीन, साउथ कोरिया और रूस जैसे देशों को जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में जिस तरीके से जापान नई तैयारी कर रहा है, उसके बाद चीन की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं भारत जिस तरीके से जवाब दे रहा है चीन को, उसके बाद चीन बौखलाया हुआ है। फिलहाल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग विवाद के बाद क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही आप कमेंट करके बताइए जिस तरीके से जापान नई रणनीति चीन के खिलाफ बनाने जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है। दिसंबर 2022 को PLA ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना, और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा।